हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है ये हम जानते हैं। 3 ऑफ प्रोफाइल एंड 8 ऑफ प्रोफाइल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है रीजन टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रंस। एंड ऑल्सो 8 ऑफ प्रोफाइल टॉक्स अबाउट अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है ये अपना सोशल टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर ये अपना एक ब्यूटीफुल सा वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजार रहे होंगे, या फिर इवन ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर आपके और इनके बीच में रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन हुई है तो ये यहाँ पर एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत सेंस कर रहे हैं। जहाँ पर मैंने कल आपको बताया हुआ था कि एक पैचअप सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन एक्साइटेड हैं और इवन पैशनेट हैं अबाउट दैट सिचुएशन, लेकिन ये 1 स्टेप एट अ टाइम लेना चाहेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पर्सन वो एक जील, वो एक खुशी, वो एक सेलिब्रेशन, वो एक कमबैक सिचुएशन जिसको हम कहेंगे कि काफ़ी सारे एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन के बाद, फेज़ के बाद जब कोई चीज़ आपके फोरफ्रंट पर ब्यूटीफुली अपीयर हो जाती है, मतलब एक सरप्राइज़ ही सही, तो कुछ तो एक ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में शुरू हो चुकी होगी जहाँ पर लिटरली आप एक दूसरे को सरप्राइज़ कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को जाहिर कर कर, या फिर कुछ जेस्चर्स, साइंस ऐसे शो कर रहे हो एक दूसरे की तरफ कि आप दोनों एक दूसरे को वो खुशी दे रहे होंगे, राइट? तो मोस्टली यहाँ पर आपने इस पर्सन को खुशी दी है। आपने जो भी इनकी तरफ जैसी भी एनर्जी प्रेजेंट की है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर खुश हैं। आपके एक एक्शन की वजह से ये खुश हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के बीच में बनी हुई थी तो ऑफकोर्स आपके पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर पाए हैं, या फिर आपने अगर इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया था या फिर वाइस वर्सा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर वर्ड ऑफ हुई हैं, जिसके चलते एक नया फेज़, एक नई शुरुआत, एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पी मोमेंट ज़रूर यहाँ पर शुरू हो चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन तो एटलीस्ट बहुत खुश हैं, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली गेट टुगेदर या एक यू नो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है ये आपको देखकर बड़े खुश हुए हैं। और आप दोनों के बीच में अगर काफ़ी लंबे समय से एक सेपरेशंस चल रही थी तो एक नई शुरुआत यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए। अगर इफ़ इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ग्रुप्स में बातें हो रही होंगी या ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ से कोई लाइक आ गया होगा आपकी पोस्ट पर, आपकी फ़ोटोज़ पर, जस्ट लाइक दैट, यू नो, ऐसी कोई हल्की सी शुरुआत, या आपने इनकी पोस्ट पर लाइक किया है तो ये उस बात को लेकर खुश हैं। तो कुछ तो जहाँ पर एक बहाना चाहिए होता है ना बात करने का, तो वो बहाना आपने या तो इन्हें दिया है या फिर आपने वो बहाना लेकर इनसे बात करने की कोशिश की है। तो आइदर वे योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट अ थर्ड पार्टी सिनेरियो, तो आपके पर्सन एक बहुत ही पेनफुल, एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से खुद को रिलीज़ कर पाए हैं। एंडिंग्स इन्होंने देखी होंगी वहाँ पर, एंड दैट्स वाई दे आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर। एंड ये एक हैप्पी टाइम, एक पार्टी या फिर एक सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि प्रोबेबली आपके साथ यहाँ पर, जो कि प्रॉबेबली आपके साथ ये इस न्यू बिगनिंग को शेयर कर रहे होंगे आपके साथ। तो ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर 7 ऑफ एरियल का बना हुआ है। इस कार्ड में लिखा है यू हैव इन्वेस्टेड वाइसली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान फॉर योर नेक्स्ट एंडिवर। तो एग्जैक्टली जैसे कि हम कल से रीड कर रहे हैं आपकी एनर्जीज कि इट्स टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर आपके अप्रोचेस कैसे जा रहे हैं, आपकी इवन अगर आप इनसे बात भी कर रहे हो तो वो आपकी बातचीत किस वेज में जा रही है इनकी तरफ, वो मैटर कर रहा है। अभी इस टाइम फ्रेम में वही एक चीज़ मैटर करेगी जहाँ पर आप अपना अप्रोच जैसा रखोगे, जैसे आप सीड्स सो करोगे वैसा ही आपको हार्वेस्ट मिलेगा। तो आपको लगता है कि मैंने जितना भी यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सोच समझकर, एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ मैंने इन्वेस्ट किया है, समझदारी के साथ इन्वेस्ट किया है, और यहाँ से जो भी रिजल्ट्स मिलने हैं मुझे वो भी मुझे फ्रूइशन देंगे। ये आपका बिलीव है, ये पक्का आपका यकीन है, आपका गट जो है, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको इस बात के लिए सहमति देती है कि यहाँ पर जो भी आप सो कर रहे हो, जो भी जितना भी आप एफर्ट रख रहे हो वो अंत में आपको फ्रूइशन लाकर देगा। और ज़रूर इस पर्टिकुलर से जर्नी पर या सिचुएशन पर अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए इसकी भी आपको कहीं ना कहीं इनर नोइंग है, और ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनर नोइंग्स के साथ अगर आप अपने जर्नी पर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ की सिचुएशंस पर वर्क कर रहे हो, इट विल यील्ड यू अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। प्लानिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सभी के लिए मैं कहूँगी कि प्लानिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग या फिर विदाउट सम काइंड ऑफ एन इनर नोइंग कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर दिन की एनर्जी डिफरेंट होती है। फाइन, तो अब आप उस एनर्जी के चलते हर दिन अपना अप्रोच नहीं बदल सकते। मान लो फोरफ्रंट पर अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं तो क्या आप अपना एफर्ट रखना छोड़ दोगे? नो, क्योंकि आपकी इनर नोइंग जानती है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन की एनर्जी के चलते या फिर एक दिन की बातचीत की वजह से आप सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपने काफ़ी समय लगाया है, काफ़ी टाइम से लगाया है, यू नो। तो वो भी आप जाने नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ वन कॉन्फ्लिक्ट या एक ही तरह की बात को लेकर आप कंक्लूजन नहीं रख सकते, वहाँ से वॉक अवे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम आपका गया है, बहुत एनर्जी गई है, बहुत कुछ आपने यहाँ पर लगाया होगा। तो एक झटके में यहाँ से वॉक अवे तो नहीं किया जा सकता। तो समझदारी इसी में है कि आप अपनी इनर नोइंग पर ज़रूर ट्रस्ट रखें और अपने कोशिशों पर विश्वास रखें, यू नो। जैसी आप कोशिश रखोगे वैसी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप दिल से कहीं पर ट्राई कर रहे हो, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, तो वो चीज़ खाली नहीं जाती। कोशिशें, हर कोशिशें काउंट होती हैं, हर एफर्ट काउंट होता है। आपके पर्सन की नज़रों में भी मैं कहूँगी, गॉड की नज़रों में भी कहूँगी, एंड यूनिवर्स भी आपका एक जो रिकॉर्ड है वो ज़रूर सेव करके रखता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपकी इंटेंशंस यहाँ पर देखी जाएंगी कि आप कितनी शिद्दत से बने हुए हो, कब से आप यहाँ पर लगे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, वो हर दिन का एक एफर्ट है। ओवर द टाइम वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तो एक दिन का ये जर्नी नहीं है, एक दिन की यहाँ पर बात नहीं है, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। तो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये एनर्जी है आप लोगों की यहाँ पर कि आप बहुत समझदारी से यहाँ पर एफर्ट रख रहे हो, और अगर आप नहीं रख रहे हो तो आपको रखना चाहिए। एस ऑफ एरियल की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही है यहाँ पर। इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। तो ऑफकोर्स ये भी एक नई बिगनिंग की तरफ इशारा करती है। ये जो एनर्जी है एक ऐसा टाइम फ्रेम, टाइम फेज आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाला है जहाँ पर न्यू बिगनिंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों के लिए लकीली शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। ऐसा कह सकती हूँ कि इफ़ यू गाइज आर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब या प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, मतलब एफर्ट कैन बी एनीथिंग हियर। आपका एफर्ट इस कनेक्शन पर भी लग रहा है, जहाँ पर भी आप अपना एफर्ट रख रहे हो वो खाली नहीं जाएगा, मैंने ये कहा आपको। तो अगर आप जहाँ पर भी एफर्ट रख रहे हो, मान लो वो करियर फ्रंट पर आप एफर्ट्स रख रहे हो और जॉब तलाश कर रहे हो या प्रमोशंस के लिए आप एफर्ट रख रहे हो, तो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। इफ़ इट इज़ अबाउट ओनली रिलेशनशिप्स, तो आप इस पर्सन के लिए भी जो जो भी एफर्ट्स रख रहे हो वो काउंट किए जाएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो जस्ट अपना दिल छोटा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ ब्यूटिफुली आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्न होने वाला है एंड आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए भी आपने डिज़ायर किया है, उम्मीद रखी है, उसके लिए एफर्ट्स रखे हैं। फाइन। तो यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कैसा रहेगा या फिर आपके और इनके बीच में एनर्जीज जो हैं वो कैसे प्रोसीड होंगी। यहाँ पर प्ले की एनर्जी है, सब कुछ लाइट जाएगा यहाँ पर, मतलब कुछ भी इंटेंस्ड नहीं है, कुछ भी अभी इतने टाइम तक अगर आपने एक नेगेटिव फेज़ देखा है तो वैसा फेज़ अभी आप लोग नहीं देखोगे। यहाँ पर सब कुछ एक प्लेफुल एनर्जीज़ में कन्वर्ट होगा, एक लाइट एनर्जीज जिसको आप चेरिश कर सको, एंजॉय कर सको। ये लिटरली भी एक प्लेफुल एनर्जी हो सकती है, जैसे कि आप लोग अच्छी कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ रख रहे हों जहाँ पर एक तरह का लाफ्टर हो और फ्यूचर की ब्यूटीफुल सी प्लानिंग्स हो, रोमांस हो, जो भी हो, एक अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो, आइदर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन या फिर अगर आप रीच आउट भी एक दूसरे की तरफ रख रहे हो तो वो एक बहुत ही हैप्पी टाइम आप लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। एक अच्छी ब्यूटीफुल पॉजिटिव मीटिंग कह सकती हूँ या फिर जिस भी तरह का कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन आप लोग शेयर करते हो वहाँ पर एक प्लेफुल एनर्जी ज़रूर दौड़ जाएगी और आप दोनों के बीच में जितनी भी इंटेंस सिचुएशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी एंड दोबारा से आप इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए खुद को काबिल समझोगे। तो मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है कि एक फेज़ ऐसा आ रहा है सभी की लाइफ में जो एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आपको देकर जाएगा हर रिलेशनशिप पर। अगर आप रिलीज़ हो रहे हो तब भी, अगर आप किसी से जुड़ रहे हो तब भी, अगर यहाँ पर एक रीयूनियन होने वाली है तब भी। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, इवन क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हो एंड इवन आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट्स वगैरह ख़रीदने हैं, एक तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, सजेशंस चाहिए, तो ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।